नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह ठाकुर हमारे YouTube चैनल जी एस विशेषज्ञ पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो पिछली कुछ क्लासेस में हम लोग नाउन कंप्लीट कर चुके हैं, नाउन के रूल बता चुके हैं। जितने भी रूल मैंने कराए हैं वो सब आप उसको अच्छे से पढ़ लेना और उन पर क्वेश्चन लगाना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पर भेज दूँगा, कुछ क्वेश्चन आप अपने आप से लगाना, ठीक है। पहले रूल अच्छे से पढ़ना, एक साइड नहीं तो रूल लिख लेना और दूसरी साइड आप क्वेश्चन लगाया करो। जैसे क्वेश्चन किसी भी रूल का आया तो पहले रूल देखा और उसके बाद क्वेश्चन को किया, इससे आपको रूल भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। और जैसे बुक की बात करें कि आप किस में से क्वेश्चन लगाएं, तो एक बुक आती है द परफेक्ट इंग्लिश, द परफेक्ट इंग्लिश। ये व्यापम और ये व्यापम के लिए वैसे अच्छी बुक है, लेकिन आप अगर जैसे थोड़ा सा हाई लेवल कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, SSC या बैंक दे रहे हैं, तो एक बुक है मास्टर पीस बाय क्रिस्टोफर फिनिक्स, ठीक है। तो व्यापम की आप व्यापम को कोई एग्जाम दे रहे हैं तो फिर परफेक्ट इंग्लिश आपके लिए सही है। उसमें आपके वो जो लास्ट ईयर में वो क्वेश्चन आए हैं वो सब दिए हैं, तो आप उनको कर लेना। और अगर आप अच्छे से तैयारी इंग्लिश की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, पूरा बेस के साथ और एडवांस तक जाना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट बुक है आपकी मास्टर पीस बाय क्रिस्टोफर फिनिक्स। आपको यहाँ आप कहीं भी ऑनलाइन देख लेना, ये लगभग 250-300 रुपए की होगी, ठीक है। इसका पता नहीं ये कितने की है, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक है मास्टर पीस बाय क्रिस्टोफर फिनिक्स, ठीक है। उसमें आप सारे रूल दिए हैं उसमें, और उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, पूरी चीज़ आपको खुद जैसे घर पे बैठ के पढ़ोगे आप तो पूरा समझ आ जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि CET आने वाला है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें हमारे मामा जी ने भी बोल दिया है कि हम भी अब उसी के हिसाब से भर्ती कराएंगे। अभी बोला है ये पक्का नहीं कराएंगे कि नहीं, उसमें ये पक्का है कि आपको इंग्लिश आएगी और व्यापम वाली इंग्लिश नहीं आएगी, उसमें थोड़ी सी हाई लेवल की इंग्लिश आएगी। तो आप अभी से तैयारी करने लगो, अभी से अपनी इंग्लिश अच्छे से मजबूत रखो। और अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, आप एक भी दिन नहीं छूट रहे हैं, आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, तो ये पक्का है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। कुछ नहीं तो 80% आप क्वेश्चन कर लोगे, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो SSC का हो, चाहे MPSI का हो और चाहे JEE का हो, ठीक है। तो जितने भी मैंने रूल कराए हैं उनको अच्छे से पढ़ना, एक पेज पर जितने भी नाउन के रूल हैं, जितने भी 5 रूल कराए हैं, ठीक है, तो एक पेज पर उनको लिख लेना और दूसरी साइड आप कोई भी जो क्वेश्चन है उनको आप उठाना और उनको लगाना। एक पहले जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, आपको थोड़ा बहुत ध्यान आएगा कि ये किस पर है, किस रूल के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो रूल देखना, उस रूल को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन लगाना, तो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और इसी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन। नाउन आपको समझ आया होगा, और नाउन जब बनेगा तभी आपसे क्या बनेगा, प्रोनाउन। चलिए आइए जानते हैं के बारे में। तो प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स क्या होता है आपका, इन स्टीड ऑफ मीन्स के बदले में, के बदले में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नाउन के बदले में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन के बदले में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं,
प्रोनाउन बोलते हैं, नाउन के बदले में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन के बदले में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अभी हम अदला बदली क्यों करते हैं, नाउन के बदले क्यों करते हैं, ठीक है, तो आइए वो समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक तो आपको याद रखना है क्या, कि नाउन के बदले में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, और एक इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ रिप्लेसिंग वर्ड यूज टू रिप्लेस अ नाउन। Avoid the repetition of noun and make a sentence short and beautiful। देखो यहां पे डेफिनेशन लिखी क्या, इट इज अ रिप्लेसिंग वर्ड, ये कैसा है, बदलने वाला शब्द है, यूज टू रिप्लेस अ नाउन, और नाउन की जगह हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस में अगर क्या आ जाए आपका, वही नाउन बार बार आ जाए, एक सेंटेंस में अगर आपका वही नाउन बार बार आ जाए तो लैंग्वेज कैसी हो जाती है आपकी, एब्सर्ड हो जाती है, वो लैंग्वेज कैसी हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो देखने और सुनने में कैसी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन एंड मेक अ सेंटेंस शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल, मतलब नाउन की रिपीटेशन। ठीक है, नाउन किसी भी सेंटेंस में क्या, नाउन अगर बार बार आ जाए, ठीक है, वही नाउन क्या आ जाए, बार बार आ जाए, जैसे जैसे राम क्या है आपका, नाउन है, और यही आपका सेंटेंस में बार बार आ जाए। ठीक है, जैसे राम क्या है आपका, एक नाउन है, और यही नाउन एक सेंटेंस में आपका दो तीन बार यूज किया जाए तो सेंटेंस कैसा होगा आपका, वो लैंग्वेज कैसी बनाएगी, लैंग्वेज कैसी लगेगी, वो एब्सर्ड लगेगी, वो सुनने में कैसी लगती है, गंदी लगती है, इसीलिए हम इस नाउन की रिप्लेस की, इस नाउन की जगह हम क्या यूज करते हैं, हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे प्रोनाउन का यूज करने से लैंग्वेज कैसे बन जाती है आपकी, शॉर्ट बन जाती है, शॉर्ट बन जाती है, और कैसे बन जाती है, ब्यूटीफुल बन जाती है। ठीक है, तो नाउन के बदले में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हिंदी में लिख लेना, किसी सेंटेंस में बार बार नाउन के प्रयोग से बचने के लिए, प्रयोग से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी सेंटेंस में बार बार नाउन का प्रयोग, नाउन के प्रयोग से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अभी ये समझ नहीं आ रहा तो चलिए एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं कि हम प्रोनाउन का हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है,
नाउन नहीं लिखा रहने थे वहां पे, प्रोनाउन लिखना जरूरी है क्या वहां पे? चलिए आइए जानते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहाँ पे यह इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यह हैज टू ब्रदर्स। His father is डॉक्टर। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब आप बताइए कि इसमें सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें नाउन कहाँ कहाँ है। सबसे पहले ये बताइए इसमें नाउन कहाँ कहाँ है। तो आपको सबसे पहले क्या है, रिया क्या है आपका नाउन है, ठीक है, रिया क्या है आपका एक नाउन है। उसके बाद नाउन कहाँ है नाउन, ब्यूटीफुल क्या है आपका एक एडजेक्टिव है। उसके बाद क्या है आपका गर्ल, एक क्या है आपका नाउन है, एक नाउन रिया है नाउन। फिर उसके बाद अगला नाउन क्या है आपका, फिर से रिया है नाउन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है आपका ब्रदर नाउन है, और आपका क्या है फिर से आपका रिया नाउन है, फिर वहाँ पे फादर नाउन है, डॉक्टर नाउन है, ठीक है। ठीक है, तो इतने सारे नाउन हैं। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी सेंटेंस में बार बार नाउन के प्रयोग से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में नाउन के प्रयोग, बार बार नाउन के प्रयोग से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक ही नाउन आपको बार बार कहाँ दिख रहा है, ये नहीं कि आप कोई भी नाउन यूज ना करें, एक नाउन, ठीक है, एक ही नाउन होगा जो बार बार यूज होगा, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, रिया क्या है, एक नाउन है। अब देखो इसी सेंटेंस में आगे कहाँ है आपका रिया, फिर से ये रिया है, तो आपका दो बार हो गया रिया। फिर देखो आगे कहाँ है रिया, फिर यहाँ पे रिया है, तो आपका एक सेंटेंस में कितनी बार, तीन बार रिया है, ठीक है। तो एक ही नाउन है, ठीक है, यहाँ पे एक नाउन कितनी बार आया आपका, तीन बार आया, ठीक है। वही नाउन कितनी बार आया आपका, तीन बार आया। तो इसी नाउन की रिपीटेशन, फिर नाउन की क्या हो रही है यहाँ पे आपकी, रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। ये नाउन क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है। तो इसी नाउन की, मतलब किसी भी नाउन की रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। सेंटेंस में बार बार अगर आपका एक ही नाउन आएगा तो सेंटेंस में कैसे बनाएगा, वो लैंग्वेज को एब्सर्ट बनाएगा, ठीक है, उसमें क्या बनाएगा, एरर बनाएगा। तो उसी सब एरर को दूर करने के लिए और सेंटेंस को, लैंग्वेज को कैसा ब्यूटीफुल और इजी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, एक ये रिया क्या था आपका, नाउन था। अब एक सेंटेंस में कितनी बार आया, एक रिया इधर आया और एक रिया आपका इधर आया, तीन बार आया है। तो अब लेकिन नाउन क्या होता है सेंटेंस में, एक सेंटेंस का क्या होता है नाउन, राजा होता है। एक सेंटेंस में नाउन आपका कितनी बार आएगा, सिर्फ एक बार, ठीक है, एक ही प्रकार का नाउन कितनी बार आएगा, किसी सेंटेंस में नाउन सिर्फ एक बार आएगा, कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, ठीक है। अगर वही नाउन फिर से रिपीट हो रहा है, वही नाउन बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और उसकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो और जैसे यहाँ पे और कौन से नाउन है, गर्ल, यहाँ पे क्या है, गर्ल। तो इस सेंटेंस में आपको कहीं दोबारा गर्ल दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, ब्रदर है, ब्रदर कहीं आपको क्या, इस ब्रदर एक सेंटेंस में कहीं दोबारा दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा। फादर आपको दोबारा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। डॉक्टर आपको कहीं सेंटेंस में दोबारा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जो नाउन ये जैसे ब्रदर है आपका, गर्ल है, तो ये लिखे रहने दो, क्योंकि वो सिर्फ कितनी बार आया है, एक बार आया है, लेकिन रिया कितनी बार आया है आपका, तीन बार आया है, ठीक है, रिया कितनी बार आया है, तीन बार आया है। तो
इसी रिपीटेशन को हम क्या करेंगे, दूर करें, दूर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत में ये रिया आपका क्या है, सही है। अब लेकिन यहाँ पे फिर से रिया आ गया, तो यहाँ पे रिया लिखना क्या है आपका, गलत है। क्या है यहाँ पे, रिया लिखना आपका गलत है। वो सेंटेंस कैसा हो जाता है आपका, गलत हो जाता है, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कैसा माना है, गंदा माना है। इसलिए हम नाउन की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं। ये जैसे रिया एक सुंदर लड़की है, ठीक है, रिया के दो भाई हैं, रिया के पापा क्या है, डॉक्टर है। तो ये क्या बन जाता है, फिफ्थ सिक्स में हम क्या लिखते थे, काऊ बारे ऐसे लिखते थे कि काऊ के क्या होते हैं, चार पैर होते हैं, काऊ की दो आंखें होती हैं। ठीक है, तो ये सब कैसा लगता है, वो लैंग्वेज गंदी लगती है। इसलिए हम उस लैंग्वेज को ठीक करने के लिए, नाउन की रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन प्रोनाउन, वो नाउन कैसा रहेगा आपका, वही नाउन। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिया था, ठीक है, ऐसे कोई भी नाउन, वही नाउन अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस में अगर एक बार कोई आपका नाउन आ गया है, ठीक है, कहीं भी स्टार्टिंग सेंटेंस में अगर आपका एक बार नाउन आ गया है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा आपका, राजा रहेगा। ठीक है, और राजा एक ही होता है, उसके बाद क्या होती है, उसकी बहुत सारी रानियां होती हैं। तो ये रिया क्या है आपका, राजा है। रिया एक बार आ गया तो आप सेंटेंस में कहीं दोबारा रिया नहीं लिख सकते। ठीक है, अब रिया की जगह क्या लिखें, तो रिया की जगह लिखेंगे हम क्या, प्रोनाउन। अब फिर से यहाँ रिया आया, रिया की जगह प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे सी, क्या करेंगे, सी। सी क्या है आपका, एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, एक पर्सनल प्रोनाउन है, वो अभी पढ़ेंगे उसके बारे में कि कैसे यहाँ पे रिया की जगह हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब कहाँ दिख रहा है आपको, फिर से रिया कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पे क्या है आपका, ये लगा है रियाज फादर। तो यहाँ पे आपका रिया लिखना क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर्ष फादर इज डॉक्टर। ठीक है, हर क्या है आपका, एक प्रोनाउन है, क्या है आपका, एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही बताया है कि नाउन की रिपीटेशन, एक नाउन, एक ही नाउन जो बार बार आएगा तो उसके जगह पे हम किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, आयशा, पूजा, पूजा इज अ गुड गर्ल, पूजा हैज स्कूटी, ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब क्या लिखा है, आयशा पूजा, पूजा इज अ गुड गर्ल, पूजा है स्कूटी। क्या आपको ये देखने में अच्छा लग रहा है, क्या आपने ऐसा कहीं देखा है, क्या आपको ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि मैंने पूजा को देखा, पूजा एक अच्छी लड़की है, पूजा के पास स्कूटी है। ठीक है, तो ये कैसा लग रहा है आपको सुनने में और देखने में, कैसा लग रहा है, भद्दा सा लग रहा है, ठीक है, एब्सर्ड लग रहा है। तो अब यहाँ पे प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, कि नाउन की रिपीटेशन को दूर करने के लिए, कि किसी सेंटेंस में अगर बार बार क्या आ रहा है, वही नाउन बार बार आ रहा है, तो उस नाउन के स्थान पर हम क्या यूज कर देते हैं, प्रोनाउन यूज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें बताओ कि ऐसा कौन सा नाउन है जो बार बार आ रहा है, कौन सा नाउन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कौन सा नाउन है आपका, एक पूजा नाउन है, यहाँ पे एक पूजा नाउन है, यहाँ पे गर्ल एक नाउन है, पूजा यहाँ पे क्या है नाउन है, और यहाँ पे क्या है, स्कूटी आपका नाउन है। अब बताओ आप कि यहाँ पे कौन सा नाउन बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा नाउन बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पूजा, पूजा और पूजा। ठीक है, यहाँ पे पूजा क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है। तो इसी नाउन को हम क्या करेंगे, इसी नाउन की रिपीटेशन हो रही है, तो इसी नाउन से बचने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे।
तो देखो सेंटेंस में एक बार तो आ सकता है, ठीक है, सेंटेंस में एक बार नाउन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आई सा पूछा, यहाँ पे सही है आपका, ठीक है, एक बार तो आपका नाउन आ गया, लेकिन दूसरी बार उसी सेंटेंस में आप वही नाउन यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा। तो इस पर पूजा की जगह क्या आएगा आपका, सी आएगा, क्या आएगा वहाँ पे आपका सी आएगा। ये सी कैसे आता है अभी आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। उसके बाद पूजा कहाँ आया आपका, यहाँ आया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, सी आएगा, ठीक है। फिर ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, आई सा पूजा, पूजा है जा, फिर क्या, आई सा पूजा, सी इज गुड गर्ल, पूजा है स्कूटी, मैंने पूजा को देखा, उसके वह है कैसी लड़की, अच्छी लड़की है, और उसके पास क्या है, स्कूटी है, ठीक है। ये क्या है आपका, प्रोनाउन, ठीक है, नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, और इससे आपको क्वेश्चन भी आते हैं, इसी से आपको क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। जैसे यही सेंटेंस मैं लिख देता कैसा, जैसे मैं लिख देता, इससे पहले सेंटेंस लिखा था मैंने, क्या पहला क्या लिखा था, मैंने लिखा था रिया रिया इज अ गुड गर्ल, देखो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस, यहाँ पे एक सेंटेंस दूसरा और एक तीसरा, अब आपको वहाँ पे सेंटेंस क्या आएगा, अरेंजमेंट आएगा, सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है, पी क्यू आर एस बोलते हैं उसी को, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं कि इस सेंटेंस को क्या सही क्रम में जमाना है, क्या करना है, सही क्रम में जमाना है। तो वहाँ पे वो लिख देंगे क्या आपका, टू थ्री वन, ए ऑप्शन में रहेगा, बी ऑप्शन में क्या रहेगा आपका, चलो यहाँ पे सेंटेंस है उस हिसाब से लिख लें, वन टू थ्री, ठीक है। अब आपको क्या, इन दोनों में से कौन सा यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है, या टू थ्री वन है, या क्या है आपका, वन टू थ्री वन, वन टू थ्री है। तो देखो अब यहाँ पे कैसा है कि सेंटेंस कभी किससे स्टार्ट, मतलब यहाँ पे अगर क्या दिया है, प्रोनाउन दिया है, आपको पहले तो थोड़ा सा मीनिंग समझना पड़ेगा उसका कि क्या कह रहा है, उसके बाद आपको क्या प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। रिया इज अ गुड गर्ल, सी हैज टू ब्रदर्स, ठीक है, सी हैज टू ब्रदर्स, सी हैज स्कूटी। तो देखो यहाँ पे जैसे सी से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से नंबर टू नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, सी हैज टू ब्रदर्स, तो किसके टू ब्रदर्स हैं, वहाँ पे आपको क्या नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, सी एज स्कूटी, किसके पास स्कूटी है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में पता चल रहा है कि वो क्या है, रिया एक अच्छी लड़की है, फिर रिया ही रिया की आगे बात की गई है, ठीक है, यहाँ पे रिया का क्या नाम पता चल गया, ठीक है, फिर उसी की का क्या की गई है, आगे बात की गई है कि उसके दो भाई हैं, ठीक है, थीके? उसके पास क्या है, स्कूटी है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये ऑप्शन सॉरी ये क्या आपका वन टू थ्री क्या होगा, सही होगा, ठीक है, इसको और अच्छे से समझा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है जो 2018 का है, जेल पहली का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, चूज द ऑप्शन एट करेक्टली सिक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। अब आपको करेक्ट सिक्वेंस में लिखना है, इस चार सेंटेंस लिखे यहाँ पे, वन टू थ्री फोर,
एक क्वेश्चन ही जरूर आता है आपको करेक्टली सीक्वेंस का, ठीक है, इसको एसएससी पीक्यूआरएस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अब करेक्ट सीक्वेंस में इनको जमाना है कि पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो इस करेक्टली सीक्वेंस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आपको क्या उसका सेंस समझना जरूरी है कि उस सेंटेंस में वो चारों सेंटेंस में क्या बोल रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या ग्रामर के बारे में समझना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे लिखा है क्या, सी लुक्ड इनटू द फ्रिज टू सी इफ इफ देयर समथिंग नाइस टू ईट। सेकंड पे क्या है, सी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग नाइस टू ईट देयर। तीसरे नंबर पे क्या है, मैरी वॉज हंग्री आफ्टर डूइंग हर वर्क। और चौथा क्या है आपका, सी ऑर्डर्ड पिज्जा एंड ड्रिंक सम मिल्क। फिर आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ए में कौन सा है कि सबसे पहले, सेकेंड नंबर 2, 4, 1, 3, बी नंबर पे क्या है आपका 3, 1, 4, 2, सी नंबर पे क्या है 4, 3, 2, 1 और डी नंबर पे क्या है आपका 3, 1, 2, 4। तो अब इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको क्या चूज करना है। तो देखो सबसे पहले आप जैसे पहले पढ़ना है कि आपका ये सही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, टू नंबर। टू नंबर पर क्या है आपका, सी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग नाइस टू ईट देयर, ठीक है। फिर क्या है, फोर, सी ऑर्डर पिज्जा एंड ड्रिंक सम मिल्क। फिर क्या है आपका, वन, सी लुक इन टू द फ्रिज टू सी इफ देयर समथिंग नाइस टू ईट। फिर क्या है आपका, थ्री, मैरी वॉज हंग्री आफ्टर डूइंग हर वर्क। तो ये कहीं से भी, पहले तो आपको थोड़ा सा सेंस समझना जरूरी है, तो ये कहीं से भी क्या नहीं बनना आपका, करेक्ट सिक्वेंस नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सी क्या है आपका, ये सी क्या है आपका, ये सी क्या है आपका, एक प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पे ये इस सी से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये भी प्रोनाउन है, और ये सी भी क्या है आपका, प्रोनाउन है, ठीक है। और एक क्या है आपका, एक सेंटेंस में नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस से बात किसकी हो रही है, तो बात यहाँ पे किसकी हो रही है, एक लड़की की हो रही है। और वहाँ पे हमने क्या, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन भी यूज किया है, ठीक है। और ये क्या है आपका, एक नाउन है। तो अब देखो जैसे आप यही सेंटेंस इस वाले को समझें, तो कैसा होगा, सी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग नाइस टू ईट देयर, ठीक है। उसे कुछ भी, उसने कुछ भी नहीं पाया क्या खाने के लिए, वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। फिर क्या है आपका, फोन नंबर पे, सी ऑर्डर पिज्जा एंड ड्रिंक सम मिल्क, उसने पिज्जा ऑर्डर किया और कुछ पीने के लिए दूध। फिर क्या आपका, वन, उसने फ्रिज के अंदर देखा और लेकिन उसे वहाँ पे क्या समथिंग, उसे खाने को कुछ मिले, ठीक है। फिर क्या आपका, थ्री, मैरी वॉज हंग्री आफ्टर डूइंग हर वर्क। वो क्या थी, अपने काम करने के बाद वो कैसी थी, भूखी थी। तो यहाँ पे कोई सेंटेंस अरेंज नहीं हो रहा है। अब ये तो आपका क्या होगा, फिर गलत हो गया। अब ये कर ले जैसे 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 क्या है, मैरी वॉज हंग्री आफ्टर डूइंग हर वर्क, वह काम करने के बाद कैसी थी, उसे भूख लगी थी, ठीक है, वह भूखी थी। उसके बाद क्या है, वन, आपका सी लुक इन टू द फ्रिज टू सी इफ देयर समथिंग नाइस टू ईट। फिर उसने क्या, फ्रिज की ओर देखा, फ्रिज के अंदर देखा कि उसे कुछ खाने को अच्छा सा मिल जाए, ठीक है। तो ये सही जा रहा है। फिर उसके बाद फोर क्या है आपका, सी ऑर्डर्ड पिज्जा एंड ड्रिंक सम मिल्क। तो उसने ऑर्डर किया किसको, पिज्जा को ऑर्डर किया और कुछ पीने के लिए मिल्क, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। उसके बाद टू क्या है आपका, सी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग नाइस टू ईट देयर। तो फिर ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। उसने क्योंकि ऑर्डर कर दिया, फिर क्या आ रहा है, लेकिन उसे खाने को मतलब वहाँ पर कुछ नहीं मिला, तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ऐसे आपका अब यहाँ पर क्या है, फोर, 4, 3, 2, 1, तो अब किससे स्टार्ट हो रहा है, फिर सी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर क्या आपका डी, क्योंकि देखो यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे क्या इन तीनों सेंटेंस है, 1, 2 और 4 स्टार्ट किससे हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है आपका, ये प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। और आपका ये तीसरे नंबर का किससे स्टार्ट हो रहा है आपका, नाउन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नाउन से स्टार्ट हो रहा है मतलब आगे सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने किसका यूज किया यहाँ पे, प्रोनाउन का यूज किया, ठीक है। तो पहले जिस
के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो तो पता कर हमें तो पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, मैरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैरी क्या, तीसरे नंबर पे क्या है आपका, मैरी वॉज हंग्री आफ्टर डूइंग वर्क, वह काम करने के बाद कैसी उसे भूख लगी थी। उसके बाद क्या है आपका, फर्स्ट उसने फ्रिज के अंदर देखा लेकिन उसे अच्छा खाने को कि उसे अच्छा खाने को मिल जाए, ठीक है, बना गया। फिर टू क्या है आपका, सी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग नाइस टू ईट, लेकिन वहाँ उसे कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला। फिर फोर्थ नंबर पे क्या है, जब उसे खाने को अच्छा नहीं मिला तो उसने क्या किया आपका, पिज्ज़ा और कुछ पीने के लिए उसने दूध ऑर्डर किया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जी नंबर सही हो जाएगा। देखो सी हमने इससे वन से स्टार्ट, टू से या फोर से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे तीसरे सेंटेंस में आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही ये नहीं पता, इन तीनों सेंटेंस में किसकी बात हो रही ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपको क्या, मैरी वहाँ पे नाउन है। आपका किससे स्टार्ट होगा, थ्री से स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पे थ्री से दो स्टार्ट हो रहा है, एक ये हो रहा है और एक ये हो रहा है। अब आपको थोड़ा सा सेंस समझना इसका जरूरी है कि वो सेंटेंस में कहीं बोलो पूरे सेंटेंस में वो भूल क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था आपका, थ्री वन कि उसने क्या, उसको भूख लगी थी काम करने के बाद, उसने फ्रिज में देखा लेकिन उसे अच्छा खाने के लिए, फिर क्या इसमें क्या था, फिर उसने सीधा डायरेक्ट पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया। यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा गोल हो गया था कि उसे खाने को कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे आपका करेक्ट सीक्वेंस रहेगा क्या, 3-1-2-4। तो ऐसे सीक्वेंस समझने के लिए आपको थोड़ा सा ग्रामर की भी ज़रूरत होगी और साथ में उसका सेंस समझना भी ज़रूरी होगा कि वो सेंटेंस में बोल क्या रहा है, ठीक है। कोई कोई सेंटेंस में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि एक ही सेंटेंस जैसे उसने यहाँ से मैं ये हटा देता, यहाँ पे कुछ और लिख देता, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाता कि किससे, ये नाउन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपका ये सही है, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे तो सेंस भी समझने लगेंगे आप और साथ में ग्रामर भी बनने लगेगी। और अगर पिछले पेपर की बात कर रहे हैं, जो जब तीस नंबर की इंग्लिश आती थी इसमें जेल वैली में, तो उसमें थोड़ा सा मेरे हिसाब से उसमें टफ इंग्लिश आती थी, लेकिन अभी जो 2018 में एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन देखे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे बन जाएंगे आपसे। तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको क्या, सरोनिम्स एंटोनिम्स हैं, ठीक है, वही थोड़ी सी टफ आ रहे हैं, बाकी पहले थोड़ी सी जी आते थे, बाकी आपकी पूरी इंग्लिश अब जो आती है वो जी है, पहले आती थी वो थोड़ी सी टफ आती थी, ठीक है। तो अगली क्लास में प्रोनाउन की हम टाइप के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, इसी क्या होता है, ठीक है, कौन सा प्रोनाउन होता है, और जब आप प्रोनाउन पढ़ लेंगे तो ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया था कि प्रोनाउन का हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, प्रोनाउन का हमें जानकारी हो तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम प्रोनाउन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।